मॉर्निंग एवरीवन, आज मैं बना रही हूँ बादाम का हलवा। मैंने बादाम को सोक किया था, और फिर उसके बाद इनके छिलके उतार लिए। और अब मैं ने एक इतना स्पून इतनी कच्ची घी डाला है और इसको ग्राइंडर में करके पीस करके और मैंने ये कढ़ाई में डाल दिया है। कढ़ाई शुड भी मोटी क्योंकि वरना ये नीचे लग जाता है। और अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। आपने देखा थोड़ा ब्राउन कलर आ गया। आई एम डूइंग मल्टी टास्किंग। मैं यहाँ पर पालक पनीर भी बना रही हूँ, दैट टू विद कश्मीरी स्टाइल काइंड ऑफ। इसमें ज़ीरा और हल्का सा तेल और ये दही डाला है। ये दही जब पक जाएगा, थोड़ा सा पानी तेल छोड़ना शुरू कर देगा, तब हम इसमें पकी हुई पालक डालेंगे और इसको मैं पीस लूँगी ग्राइंडर से और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी। काफ़ी हद तक भून चुकी है। जब इसमें से नटी खुशबू आना शुरू हो जाती है, नटी स्मेल आना शुरू हो जाती है, तो मैं इसमें इसको मैं हल्का सा और भूनूँगी। मैंने सिम पे कर रखा था वरना ये जलना शुरू हो जाता है। अब मैं इसको थोड़ा सा मीडियम फ्लेम करके इसको अच्छे से ब्राउन कर लूँगी और उसके बाद इसमें कोई एक कप जितना दूध डालूँगी। और यू कैन तो हम लोग इसमें नाउ इट्स लाइक काफ़ी ब्राउन हो चुका है, यू कैन सी दैट। इसमें अब हम दूध डाल सकते हैं। एक कप दूध डाला है जिसमें मैंने पीसा था अपना बादाम, उसी में मैंने दूध अच्छे से कर लिया है तो ताकि जो बादाम बच गया हो। आपने देखा होगा कि बादाम थोड़ी क्रश्ड है, नॉट अ फाइन टेस्ट बट अ क्रश्ड वन। तो अभी इसमें मैंने दूध डाल दिया है। अब मैं 2-3 स्ट्रैंड्स इसमें केसर के डालूंगी। इट विल ब्रिंग अ गुड कलर एंड अरोमा टू इट। मैंने थोड़ी सी इलायची का पाउडर पीसने के दौरान ही डाल दिया था और इससे मेरी किचन में इस टाइम पर बहुत अच्छी खुशबू हो गई है। और नाउ दिस इज ड्राई। जब ये दूध सूख जाएगा अच्छे से और विल टेक टाइम, तो जब ये दूध सूख जाएगा अच्छे से तो फिर मैं दोबारा से इसको वीडियो को ऑन कर दूंगी। तो जब तक दूध सूखता है तब तक मैं आपको देखो सॉफ्ट सॉफ्ट सॉफ्टी सॉफ्टी हो गया ये। इसको थोड़ा सा और टाइम लगेगा। इन द मीन टाइम मैं आपको पालक की रेसिपी बताती हूँ। ये पालक बेबी स्पेनेज थी जो मेरे गार्डन में ही उगी थी, मेरे गार्डन में ही दादी मम्मा के गार्डन में उगी थी। उन्होंने शी मैनेज टू सेंड मी। एंड इसमें दूध ये एक आधी कटोरी दही है और इसे हम पका लेंगे। मैंने पालक को छोटा छोटा काट कर इसी कढ़ाई में पकाया है, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल करके और ज़ीरा डाल के और नमक डाल करके। वो पक गई है, अब उसे मैंने ब्लेंडर से पैन में ही ब्लेंड कर लिया है। इसे मैंने अलग कर लिया था क्योंकि दही को पहले हमें पकाना है। सो दही पकाया, दही अभी पक रहा है। इसमें मैंने ये डाला है सौंठ पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर, सौंठ का पाउडर, सौंठ का पाउडर बोलते हैं हमारे यहाँ डोगरी में, सौंठ पाउडर बोलते हैं। देन इसको मैंने इसमें कोई हाफ टी स्पून ड्राई जिंजर पाउडर डाल, इसे हम पकाते हुए ही डालेंगे। जब ये थोड़ा सा हाई फ्लेम कर लेती हूँ, जब ये दही अपना पानी ख़त्म कर लेगा और हल्का सा ये सूख जाएगा। दिस इज़ आई यूज टू मेक फॉर व्रत ओनली, क्योंकि इसमें हम प्याज लहसुन टमाटर कुछ भी नहीं डालते हैं, सिर्फ दही की ग्रेवी बनाते हैं, सौंठ पाउडर डालते हैं, नमक डालते हैं, जीरा डालते हैं और लास्ट में एक मैजिक इंग्रेडिएंट डालते हैं जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। नाउ यू कैन ईजीली सी कि ये ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट, पानी बस हल्का सा रह गया है। दिस इज़ लाइक डन, दिस इज़ द टाइम वेन वी हैव पालक।
look, it is a green green color. And now we can do one thing. Is it good? The stew is so good. And now comes the time of that magic ingredient, and this is soap powder, half a teaspoon. Look at this. इसको तो पूछो कि मत कैसी है। अब हम इस पालक में थोड़ा सा कोसा पानी डाल करके उसको बॉयल होने रख देंगे, और साथ में इसमें कच्चा पनीर डालेंगे, और आज में हम क्रीम डालकर इसे सर्व कर देंगे। इट